दोस्तों, ई मित्रा पोर्टल के ऊपर चार नई सर्विस आई है। उन्हीं सर्विस के बारे में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। वो सर्विस क्या है और क्या काम आएगी, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाएगा, उनकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले हमें आ जाना है ई मित्रा के डैशबोर्ड पर है। डैशबोर्ड पर आने के बाद में आप देखोगे कि चार नोटिफिकेशन यहाँ पर आए हुए हैं। पहली सर्विस के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रिय की उसका आपको सूचित किया जाता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं की अनुज्ञापत्र औषधि की सेवा ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यानी दोस्तों, चिकित्सा विभाग की ओर से अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है तो उसके लिए जो सेवा है वो ई मित्र पोर्टल के ऊपर शुरू कर दी गई है। तो आपको इस सेवा का किस प्रकार से उपयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी लेकर के मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। दोस्तों, दूसरी जो नोटिफिकेशन आया है तो वो है प्रिय के उसका आपको सूचित किया जाता है कि डिस्कॉम विभाग की जयपुर डिस्कॉम ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन सेवा ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है, जिसमें निम्न सेवाएँ शामिल है। यानी दोस्तों, जयपुर डिस्कॉम ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन की सेवा है वो ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम डिस्कॉम के बार बार चक्कर लगाते हैं लेकिन हमारी जो समस्याएं होती है उनका समाधान नहीं होता। तो इसके लिए आपको ई मित्र के ऊपर एक एप्लीकेशन देनी होगी जिससे आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके। दोस्तों, इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल है, किस किस के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हो, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें तीन सेवाएं हैं। पहली है विद्युत बिल को ठीक करवाना। दोस्तों, यदि किसी का विद्युत बिल सही नहीं आ रहा है या ज़्यादा बिल आ रहा है या कई बार गड़बड़ हो जाती है बिल के अंदर, तो हम बार बार डिस्कॉम के चक्कर लगाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसके लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हो ई मित्र पर है, यानी इसकी आप शिकायतें कर सकते हो ई मित्र के ऊपर है। दोस्तों, इसके बाद में आपको मीटर बदलवाना हो, यदि किसी का मीटर खराब हो गया है या मीटर डिफॉल्ट आ रहा है, आप डिस्कॉम में जाते हो वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप यहाँ पर ई मित्र पर इसकी जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हो, जिसके कारण आपका मीटर है जो जल्दी ही बदल दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरी सेवा है इसकी विद्युत सप्लाई को ठीक करवाना। कई बार विद्युत सप्लाई सही समय पर नहीं होती है या रुक रुक करके बिजली आती है, या कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बिजली आ जाती है, वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है या वोल्टेज कम रहता है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हो। ये ग्रीवियंस की सेवा है दोस्तों। यहाँ पर ग्रीवियंस का मतलब होता है यानी शिकायत रजिस्ट्रेशन की सेवा। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर ई मित्रा पोर्टल के ऊपर ये जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हो। दोस्तों, इसके बाद में तीसरा नोटिफिकेशन है प्रिय की उसका आपको सूचित किया जाता है कि स्वायत्त शासन स्थानीय निकाय विभाग की निम्न सेवाएं ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यानी स्वायत्त शासन या स्थानीय निकाय की जो सेवाएं हैं उसके लिए भी आप ई मित्र के ऊपर एप्लीकेशन दोगे। यानी इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल है, पहला है साइनेज लाइसेंस जारी करना। जो रोड किनारे जो साइन बोर्ड लगाए जाते हैं उसके लिए एक लाइसेंस जारी किया जाता है, तो उसके लिए आपको ई मित्रा के ऊपर एक एप्लीकेशन देनी होगी, तभी आपको वो लाइसेंस है जो जारी किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जो इसी की सेवा है उसमें है मोबाइल टावर अप्रूवल। यदि कोई मोबाइल टावर लगवाना चाहता है और उसके लिए अप्रूवल लेना चाहता है तो ई मित्रा के ऊपर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देनी होगी, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों, इसकी तीसरी सेवा है मोबाइल टावर एनओसी। यदि कोई मोबाइल टावर लगवाना चाहता है तो उसके लिए एनओसी जारी की जाती है, उसकी एनओसी भी आप ई मित्रा के माध्यम से कटवा सकते हो। दोस्तों, इसके बाद में ओएफसी केबल एनओसी। यदि कोई ओएफसी केबल लगवाना चाहता है तो उसके लिए भी एनओसी जारी की जाती है, तो यहाँ ई मित्रा के ऊपर आप इसकी एप्लीकेशन है जो दे सकते हो। चौथा नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानते हैं। प्रिय केस का आपको सूचित किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग की निम्न सेवाएं ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ऊपर वाली जो सेवाएं थी वो स्थानीय निकाय की थी और ये है नगरीय विकास विभाग की ओर से। तो इसमें भी तीन सेवाएं शामिल है। पहली है भू विभाग परिवर्तन स्थानीय स्तर की और दूसरी है भू विभाग परिवर्तन राज्य स्तरीय। तो इसके लिए भी आप एप्लीकेशन ई मित्र के ऊपर दे सकते हो। और तीसरी है टेलीकॉम टावर या ओएफसी केबल हेतु अनुमति जारी किया जाना। तो ओएफसी केबल के लिए या टेलीकॉम टावर के लिए अनुमति लेनी है तो आप ई मित्रा के माध्यम से यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हो। दोस्तों, यदि आपको इन चारों में से कोई भी सेवा के ऊपर यदि वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा और उसमें सारी जानकारी आपको दूंगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, कौन सी सर्विस का यहाँ पर चूज करना है, कितना कमीशन मिलेगा, सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।